संजय लीला भंसाली जी की जो मूवीज होती हैं उसके अंदर जो सेट होता है वो बहुत कमाल का होता है यार। इतना ज्यादा वो कलरफुल होता है और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के टीजर के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है यूट्यूब के ऊपर। इस टीजरों में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीजें खराब है। कुछ चीजें क्या, सिर्फ एक ही चीज है, उस चीज क्या कहूँ, वो एक इंसान है जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी स्टार किड से या फिर कोई नेपोटिज्म से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंसान आकर अच्छा काम करता है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उसकी प्रशंसा बनती है। लेकिन अगर वो इंसान, भले वो नेपोटिज्म से आया हो या फिर स्ट्रगल से आया, जो भी आया हो, अगर वो इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा बनती है, लेकिन उसने खराब काम किया तो उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही। टीजर के अंदर हर चीज अच्छी है, इसमें बैकग्राउंड साउंड बहुत बढ़िया है, इसमें सेट बहुत बढ़िया है, कलरफुल है, सब कुछ चीजें अच्छी है। लेकिन जब आलिया भट्ट की जो एंट्री होती है भाई साहब, गंगूबाई का जैसे इसके अंदर रोल दिखाया गया है, एकदम ताव वाला, अकड़ वाला, एकदम रोब है उसी उस लेडी के अंदर, और वो फेस वहां पर होना चाहिए कि हाँ सामने वाला देखे तो यार लगे कि हाँ वास्तव में इसके चेहरे के ऊपर वो चमक आ रही है, लोगों को मतलब लोग इससे खौफ खा रहे हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए जैसा इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आलिया भट्ट जिसकी शक्ल बच्चों वाली है यार, वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी इस गंगूबाई के मतलब रोल के ऊपर। भाई साहब उनको रखो यार स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जो बच्चों वाली चीजें होती है ना उसको वहां पर रखो, ये ऐसे भारी भारी सीन उनको दे दोगे इससे बात नहीं बनती यार। जब मैं टीजर देख रहा था तो उसमें बैकग्राउंड साउंड बहुत बढ़िया बज रहा था, फिर जैसे ही एक सीन आता है, छोटा सा एक सीन आता है जिसमें आलिया भट्ट हमारी तरफ मुड़ती है और ऐसे ताव में देखती है, पता है जो आसपास के जो कास्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो रियल एक्टिंग कर रहे हैं वो ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन भाई साहब ऐसे चूड़ियां ऊपर झड़ाते हुए तुम लुक दे रहे हो भाई यार, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। ये बच्चों वाला फेस लेके ऐसे चूड़ियां ऊपर उठाना, ऐसे यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं, उनको ले लेते इन आलिया भट्ट की जगह तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, वो इस रोल को बहुत जानदार बना सकते थे। भाई साहब यही नहीं है, और जैसे ये डायलॉग बोलती है, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना MLA से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। कोई फील नहीं आया, सच में कोई भी फील नहीं आया यार। सुपोज इनकी जगह पर अगर विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस होती तो यार इस डायलॉग में कैसे जान फूंक देती यार। सुपोज सोच कर देखो यार, वहां पर उन जैसे जो कलाकार हैं वो इस रोल को डिजर्व करते हैं, ये बच्चों जैसे शक्ल वाले डिजर्व नहीं करते यार इस जैसे रोल को। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। नहीं 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 सच में बहुत ज्यादा बुरे लोग, बहुत ज्यादा खराब एक्सप्रेशन है। अब देखो यार, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ कि मूवी अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, बट जितने ये टीजर देखा है ना, या टीजर की कम मैंने कहा बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक ही जो चीज है इसमें जो कास्ट है वो गलत ले लिया, विद्या बालन या फिर कंगना रनौत। यार कंगना रनौत इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, मैं ट्वीट के ऊपर नहीं जा रहा हूं, बट एक्टिंग के मामले में उनको बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो कंगना रनौत उन जैसी एक्ट्रेस में से आती हैं जो पूरी मूवी को अपने दम पर आगे ले जा सकती हैं, लेकिन आलिया भट्ट यार उनमें ऐसा फील नहीं है यार, कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता। वो जैसे ये पूरे का पूरा हमने देखा है कि ना तो उनके डायलॉग में वो जान है, ना उनके एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त हैं कि सामने वाला खौफ खाए उस एक्सप्रेशन से, या फिर एक रोब दिखाए, कुछ भी अच्छा नहीं है। एक फेस पे जो चमक होती है गंगूबाई का, जो रोब है सामने आना चाहिए, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा जो आलिया भट्ट ने जो प्ले किया है। खैर अब देखते हैं कि जब ये मूवी थिएटर्स में आएगी तो क्या गुल खिलाती है। अब जितना यार देख के लग रहा है उससे डर तो लगने लग रहा है कि यार टीजर के अंदर ही वो फील नहीं आई तो मूवी के अंदर कहाँ से इतनी वो फील आ जाएगी। फिर भी अभी कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं करने वाला कि अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, जब मूवी आएगी तब देखेंगे तब बात करेंगे, बट फिर से डर तो लग ही रहा है ना यार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तो प्लीज कमेंट करना कि आपके क्या विचार है आलिया भट्ट को इस मूवी में ऐसा रोल करते हुए देखकर। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।